हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में PT 365 पॉलिटी की स्टार्ट की थी, जिसमें हमने अपने पहले तीन टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। अभी क्या किया था, ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने उस कमीशन के एक्सटेंशन का टर्म अप्रूव कर दिया था कि आप और किन ओबीसी कास्ट को कैटेगराइज करना चाहते हो। मतलब कि यूनियन कैबिनेट ने क्या किया था, एक कमीशन को बैठाया था सो दैट वो आइडेंटिफाई कर सके कि किस ओबीसीज की कास्ट को क्या करना चाहिए, ओबीसीज के अंदर डालना चाहिए या किस कास्ट को ओबीसीज के अंदर कैटेगराइज करना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो टर्म है उसके एक्सटेंड करने के लिए ऐसे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया था। इस जो कमीशन को है वो किसने हेड किया गया है, बाय जस्टिस जी रोहिणी, जो कि रिटायर्ड है, जो कि 2017 में बना था। ठीक है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि जस्टिस जी रोहिणी का जो कमीशन था वो किससे रिलेटेड था, तो आपको पता होना चाहिए इट वॉज रिलेटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ ऑब्जेक्ट कास्ट। ठीक है, तो इस कमीशन को हेड किया गया है बाय जस्टिस जो रोहिणी, जो कि रिटायर्ड है, 2017 में इस कमीशन को बनाया गया था। इसको सेटअप किया गया है अंडर 340, सो जो पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो किसी भी कमीशन को अपॉइंट कर सकता है सो दैट वो बैकवर्ड क्लासेस की क्या कंडीशंस हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। देखो गाइस, अगर हम बैकग्राउंड पढ़े तो ओबीसी की कास्ट कब से पिक्चर में आई, सबसे पहले मंडल कमीशन बैठा था 1919 में। क्या हुआ था, यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो ओबीसी हैं उनको 27% रिजर्वेशन मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब सर्विसेज में या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अंडर आर्टिकल 16 क्लोज 4। फाइन, फिर ये डिसीजन जो बेस्ड था वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो कि 1980 में सबमिट थी, उस कमीशन उस रिपोर्ट के बेसिस पे इस डिसीजन को लिया गया जो 1979 में सेटअप हुआ था और जिसको बीपी मंडल जी ने हेड किया था। मंडल कमीशन ने क्या किया था, उस वक्त कुछ जो सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया था और उनको बोला था कि इनको 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए सो दैट हम जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकें। फिर रिकमेंडेशन की कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, मतलब कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी जो ओबीसी हैं उनको कोटा मिलना चाहिए और इस जो रिजर्वेशन है उसको 1992 में इम्प्लीमेंट किया गया, वाइल जो एजुकेशन कोटा है वो फोर्स में 2006 में अंडर आर्टिकल 15 क्लोज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपको पता होगा अगर गाइस आपने पॉलिटी पढ़ी है। फाइन, देखो गाइस, एजुकेशन में जो कोटा मिलता है वो अंडर आर्टिकल 15 क्लोज 4 मिलता है और एम्प्लॉयमेंट में जो कोटा मिलता है वो अंडर आर्टिकल 16 क्लोज 4 के अंडर मिलता है सो दैट मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग बेनिफिट्स मिल सके। तो अब उन बैकवर्ड कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो इसमें क्या किया, जो क्रीमी लेयर क्राइटेरिया को भी लेके रखा गया। मतलब कि देखो गाइस क्या होता है, जो बैकवर्ड कुछ कास्ट ऐसी थी जो एक्चुअल में क्या थे, रिच थी। ठीक है, तो इसे क्रीमी लेयर क्राइटेरिया को लेके आया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग में इन्वोक कर दिया गया था इंद्रसानी जजमेंट में। अब हम पहला पढ़ लेते हैं इंद्रसानी जजमेंट क्या। देखो गाइस, ये काफी मतलब कि ये जो जजमेंट है, ये जो इंद्रसानी केस था बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर आप पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें आपने हर एक जगह पढ़ा होगा। देखो गाइस, इन्होंने क्या किया था, इंद्रसानी केस ने बोला था कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, इसके अलावा वर्टिकल रिजर्वेशन पर 50% कैप रखा। अब देखो गाइस, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, दो तरह की रिजर्वेशन होती है, एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है और एक वर्टिकल रिजर्वेशन होती है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, रिजर्वेशन के अंडर रिजर्वेशन दे रहे हो, मतलब कि अगर आप ओबीसी में रिजर्वेशन दे रहे हो तो उसके अंडर भी आपने कोटा दे दिया। कैसा कोटा दे दिया, कि भी वुमेन का कोटा दे दिया या फिर जो एक्स सर्विसमैन का इस तरह का कोटा दे दिया, तो ये जो रिजर्वेशन होती है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती है, मतलब कि रिजर्वेशन के विद इन रिजर्वेशन। ठीक है, या फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है इनका जो कोटा दे दिया अंडर दिस। ठीक है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, लाइक जो ओबीसी को मिल गया, एससी एसटी को मिल गया, ये सब जो रिजर्वेशन होती है वो वर्टिकल रिजर्वेशन है। ठीक है, तो इसमें लिखा गया कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन है उस पर 50% कैप है। फाइन, इसके अलावा क्रीमी लेयर को एलिमिनेट किया जाए फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास, मतलब कि देखो हम क्या चाहते हैं, रिकॉग्निशन देना जो एक्चुअल में सोशल और बैकवर्ड है। ठीक है, एजुकेशनल बैकवर्ड, अगर हम उसमें क्या किया, इसलिए क्रीमी लेयर को एलिमिनेट किया कि सो दैट इनका जो बेनिफिट है वो क्रीमी लेयर ही ना खाए। ठीक है, इसके अलावा ये बोला गया कि प्रमोशन में कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इंद्रसानी केस में ये कुछ रिजर्वेशन के कंडीशंस लगाई गई। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर बताया गया, देखो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया आपको पता ही होगा, जिन हाउस होल्ड की इनकम एनुअल इनकम 8 लाख या उससे अबव है उसे हम क्रीमी लेयर के कंडीशन में डालते हैं अमंग ओबीसी, और ये जो क्रीमी लेयर है वो उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता।
ओबीसी, आपको पता है ओबीसी करेक्टिव टर्म है जो एजुकेशन गवर्नमेंट के द्वारा यूज की गई है सो दैट वो कास्ट जो एजुकेशनली और सोशली क्या बैकवर्ड है। ओबीसी अगर देखा जाए तो वर्स्ट हेट्रोजीनियस ग्रुप है, इसमें वेरियस जातीज हैं, वेरियस सबकास्ट हैं, जिसको सोशल या इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग हम ओबीसी के अंडर रखते हैं। फॉर इंस्टेंस ओबीसी में कुछ लैंड ओनिंग कम्युनिटीज है, मतलब कि कुछ जो बहुत ज्यादा रिच कम्युनिटीज भी हैं जो नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन दोनों में रहती हैं। अलोंग साइड इसके अंदर कुछ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब कि पुअर कंडीशंस में रहती है, ठीक है। अब से आपका डिग्रेडेशन का आइडिया कब आया, पहला जो बैकवर्ड सब क्लास कमीशन रिपोर्ट थी वो 1955 में प्रपोज की गई कि हमें ओबीसीज के अंदर भी सब कैटेगराइज करना चाहिए। इसके अंदर भी हमें दो तरह से सब कैटेगराइज करना चाहिए, एक तो जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है और जो दूसरी क्या है जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड, मतलब कि ओबीसीज के अंदर भी हमें दो कैटेगराइज करना चाहिए, एक जो बैकवर्ड है और जो क्या है एक्सट्रीमली बैकवर्ड है। इसके अलावा फिर मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई 1979 में, उन्होंने एक डिसेंट नोट, उसमें एक डिसेंट नोट लिखा गया किसके द्वारा, एलर नाइट ने, जिन्होंने प्रपोज किया कि हमें क्या चाहिए सब कैटेगराइज करना चाहिए इंटरमीडिएट और डिप्लॉयड बैकवर्ड क्लासेस में। मतलब कि सिंपल बात यह है कि इन्होंने भी बोला कि हाँ हमें क्या करना चाहिए सब कैटेगराइज करना चाहिए। 2015 में क्या है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन को प्रपोज किया गया जिसमें क्या है ओबीसी को तीन कैटेगरीज में बांटा गया, एक तो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है, एक है मोर बैकवर्ड क्लासेस और एक है बैकवर्ड क्लासेस। देखो बैकवर्ड क्लासेस ग्रुप सी में, देखो जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है नाम से समझ में आ रहा है, वो क्लासेस है जो बहुत ज्यादा सोशल एजुकेशनल और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ओबीसी के अंदर, और ये बहुत ज्यादा मतलब कि इसमें मेनली जो ट्राइब्स है नोमेडिक या सेमी नोमेडिक ट्राइब्स, मतलब कि जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते रहते हैं, एक सिटी से दूसरी स्टेट जाते रहते हैं, मतलब कि नोमेडिक मतलब कि समझ रहे हो ना, मतलब कि माइग्रेट होते रहते हैं, जो अपना जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है वही अभी तक कर रहे हैं, मतलब कि जो उनके एंसेस्टर्स कर रहे थे वही ऑक्यूपेशन वो अभी तक कैरी आउट कर रहे हैं। इसके अलावा जो मोर बैकवर्ड क्लासेस हैं जो ग्रुप में है, इसमें कुछ वोकेशनल ग्रुप्स हैं जो कुछ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन अभी भी कर रही हैं। बैकवर्ड क्लासेस में वो ग्रुप्स हैं जो कंपैरेटिवली ज्यादा फॉरवर्ड है एज कम्पेयर टू एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस। अभी जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग जो 11 स्टेट्स हैं दैट इज द आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटका, हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, ये ऑलरेडी यहाँ पे ओबीसी को सब कैटेगराइज कर चुके हैं सो दैट हम उनको स्टेट गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फाइन, हरियाणा में तो आपको पता ही है जाट आंदोलन ही हुआ था, सो दैट वो क्या चाहते थे कि ओबीसी को सब कैटेगरी में डालो, मतलब जाट्स को ओबीसी के अंदर स्पेशली जो वो है ना उनमें डालो, स्पेशल बैकवर्ड क्लास में डालो। फाइन, तो हरियाणा में इसका अलग है, ठीक है। अब आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टैटिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉलिटी में, ठीक है। अंटिल नाउ आर्टिकल 338 के अंदर ये नेशनल कमीशन फॉर सस्टेन, देखो गाइस 2015 में आया था ये पिक्चर में, 2015 से क्या था आर्टिकल 338 के अंदर क्या था ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट था, जो ओबीसी के इश्यूज को या ओबीसी की जो प्रॉब्लम थी उनको भी एड्रेस करता था। जो प्रेजेंट जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको सेटअप किया गया अंडर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 और किस आर्टिकल में, आर्टिकल 338 बी में ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिकमेंड करता है कि किस कास्ट को आप इंक्लूड कर सकते हो, किस कास्ट को आप एक्सक्लूड कर सकते हो ओबीसी लिस्ट में, और किस लेवल ऑफ इनकम को आप क्रीमी लेयर के अंडर डालोगे या क्रीमी लेयर के अंडर से आप कट करोगे, और जो इस रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकते हैं नहीं, ये सब कौन डिसाइड करता है, दैट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। फिर 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाया, बोले तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसने क्या किया जो नेशनल कमीशन वो बैकवर्ड क्लासेस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया और पावर दिया इस कमीशन को कि वो क्या कर सकता है, पावर अकेंड टू द कमीशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। अब जो फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे थे तो नेशनल कमीशन ऑफ सोसाइटी क्लासेस है वो अब ट्रांसफर होकर टू द न्यू पैनल, मतलब कि पहले जो एनसीएससी था वो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी दोनों के काम देखता था, लेकिन अब जब एनसीबीसी पिक्चर में आ गया तो जो एनसीएससी है वो सिर्फ एससी तक इश्यू रह गया और जो कुछ फंक्शन थे वो एनसीबीसी को ट्रांसफर कर दिए। ये इस अमेंडमेंट की वजह से इस मतलब कि जैसे ही जो आर्टिकल 238 आया या फिर जैसे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस पिक्चर में आया तो हमें कुछ अमेंडमेंट लेके आने पड़े आर्टिकल 342A में और आर्टिकल 366 में। आर्टिकल 342 जो ए है वो क्या करता है जो सेंट्रल स्टेट सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस उनके साथ रिलेट करता है। इसके जो आर्टिकल 366 है इसमें कुछ डेफिनेशंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज करिए अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड अदरवाइज, ठीक है। इस एक्ट के अंदर जो एनसीबीसी है, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीबीसी में 5 मेंबर्स हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो टेन्योर और जो इनकी कंडीशंस है वो भी प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। अब ये जो एनसीबीसी का जो पैनल है वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, सबसे पहले क्या
अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है कि अगर आपको रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट नहीं की गई या फिर इकोनॉमिकली आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो वायलेंस है, उन सबके प्रॉब्लम्स को डील कर सकता है, और इसमें जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है वो इस कमीशन के पास आ सकता है। इसके अलावा इस कमीशन के पास पावर है कि वो अपने आप इंक्वायरी कर सकते हैं अगर किसी के राइट्स को डिप्राइव किया जा रहा है या किसी को अगर सेफ्टी नहीं मिल रही है। इसके अलावा जो NCBC है उसके पास सिविल कोर्ट की पावर है, मतलब कि ये अपनी मर्जी से किसी को भी अपने पास बुला सकते हैं, या फिर अगर इसको कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो वो अलाउ, मतलब कि हुक्म करता है कि मुझे इस डॉक्यूमेंट की जरूरत है और आपको इस डॉक्यूमेंट को दिखाना पड़ेगा एंड यू हैव टू रिसीव एविडेंस ऑन एफिडेविट। फाइन, ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट। रिसेंटली ये को न्यूज में क्यों था, अभी क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इन्होंने रिकमेंड किया कि हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट जो 1963 है उसको अमेंड करना चाहिए और इसमें हमें और वर्नेकुलर लैंग्वेजेस को इंक्लूड करना चाहिए, नॉट जस्ट कन्फाइंड इट टू हिंदी। मतलब कि अभी तक जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में सिर्फ हिंदी और इंग्लिश तक लिमिटेड था, उसको मतलब कि बढ़ाना चाहिए और हमें अपनी और लैंग्वेजेस को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। अब जरा हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये जो एक्ट था वो 1963 में इनेक्ट हुआ था सो दैट हम ऑफिशियल पर्पस, जो सेंटर का ऑफिशियल पर्पस में कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इसके लिए इस एक्ट को लेके आया था। किस तरह से आप पार्लियामेंट में बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर सकते हो, या तो सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट में या फिर हाई कोर्ट्स में कुछ सर्टेन पर्पस के लिए आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, इस लैंग्वेज को मतलब कि प्रोवाइड करने के लिए ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पिक्चर में आया था। इस एक्ट के अंदर इंग्लिश और हिंदी हम कुछ स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक रेजोल्यूशंस के लिए, रूल्स के लिए, जनरल ऑर्डर्स इशू करने के लिए, नोटिफिकेशंस इशू करने के लिए, प्रेस कम्युनिकेशंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट, लाइसेंसेस एंड टेंडर, मतलब इन सब पर्पस में आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो ऑफिशियल लैंग्वेज को डील करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो हमारा पार्ट 89 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो डील करता है, और आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल जो 351 है वो डील करता है हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज से। इसके अलावा जो 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमारी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है, जिसको इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेजेस थी जिसको शेड्यूल लैंग्वेजेस का वो स्टेटस मिला हुआ, ठीक है, लेकिन अभी 22 लैंग्वेजेस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, इसको 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में ऐड किया था। इसके अलावा जो आर्टिकल 343 क्लोज 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया, वो क्या बताता है, देखो गाइस अब इसमें बस आर्टिकल्स की बात ही गई है, ये आपका स्टैटिक पार्ट के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 343 क्लोज 1 में ये बोला है कि जो हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट में वो हमारी यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज है। आर्टिकल 343 क्लोज 3 में ये बोला हुआ है कि अगर आपको इंग्लिश को कंटिन्यू करना है इवन आफ्टर 25 जनवरी 1965, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो ऐसा लॉज बना सकती है कि वो इंग्लिश को कंटिन्यू रख सकती है हमारे इंडिया में। फाइन, आर्टिकल 344 क्लोज 1 के अंदर ये बोला है कि अगर आपको किसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर्स ऑन द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब कि क्या कर सकता है, जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ तो उसके 5 साल बाद क्या है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को, किसी भी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। आर्टिकल 348 क्लोज 1 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं या फिर किसी भी हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग हो रही है वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में हो रही है अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड, मतलब कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोसीड हो सकती है जब तक पार्लियामेंट बाय लॉ कोई और लैंग्वेज अलाउड नहीं करती। आर्टिकल 351 में ये बोला हुआ है कि हमें अपनी हिंदी लैंग्वेज को फैलाना है सो दैट हम इसको एज अ मीडियम सर्व कर सके, सो दैट सभी लोग क्या कर सके, हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सके और हमारा जो कंपोजिट कल्चर है उसको क्या कर सके, हम सर्व कर सके। फाइन, अब ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अंडर आर्टिकल 344 कॉन्स्टिट्यूशन में कमीशन के अंदर, देखो गए ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन किस आर्टिकल के अंदर है, 344 के अंदर है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है रिलेटेड टू दिस लैंग्वेज, तो इसके अंदर ही हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन को अपॉइंट किया गया। इस कमीशन के अंदर कौन कौन मेंबर्स हैं, चेयरमैन है और कुछ और मेंबर्स हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे 8 शेड्यूल में है, और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, किसी भी मेंबर को अपॉइंट करता है और उसका जो ऑर्डर होगा वो उसको फॉलो करना होगा जो भी कमीशन के अंदर फॉलोड है, मतलब कि इसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनको वो ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे जो कमीशन में प्रोसीजर है, ठीक है। ये कमीशन की ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे कि किस तरह से हम
हिंदी की लैंग्वेज को और ज़्यादा यूज़ में लेके आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा उसको ऑफिशियल यूज़ में हम कर सकें। इसके अलावा किस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़ को रेस्ट्रिक्ट करें सो दैट हम क्या कर सकें और एनी ऑफ द ऑफिशियल पर्पज, मतलब कि सिंपल बात ये आपको पता है हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारा मतलब कि मातृत्व भाषा बोलते मदर लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये जो नेशनल जो कमीशन बैठा है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, इसका ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन दे कि किस तरह से हम हिंदी के लैंग्वेज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इंग्लिश के लैंग्वेज को जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो यूज़ है हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इवन की ऑफिशियल पर्पज में भी। इसके अलावा हम किस तरह से कुछ लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक पर्पज के लिए या सभी पर्पज के लिए, जो आर्टिकल 348 के अंदर मेंशन है, किस तरह से हम न्यूमरल्स का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं एनी वन और मोर स्पेसिफिक पर्पज ऑफ द यूनियन। इसके अलावा किसी और मैटर्स में रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट एज रिगार्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, मतलब कि इसके अलावा अगर कमीशन को लगता है कि कोई मैटर प्रेसिडेंट को ऑफर करना चाहिए रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज तो वो कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा यूनियन और स्टेट के बीच में कम्युनिकेशन का क्या लैंग्वेज होना चाहिए, मतलब आपको पता है हमारे में कितनी डाइवर्सिटी है, हर एक स्टेट की अपनी अपनी भाषा है, तो यूनियन और स्टेट किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें या फिर एक स्टेट दूसरे स्टेट से किस कम्युनिकेशन किस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करें और उनका यूज़ क्या, ये सब कौन रिकमेंडेशन करता है, कमीशन रिकमेंडेशन करता है किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। इसमें ये भी मेंशन है कि जो कमेटी है उसको उसमें जो कॉन्स्टिट्यूट होंगे उसमें 30 मेंबर्स होंगे जिसमें से जो 20 हैं वो मेंबर्स होंगे हाउस ऑफ पीपल के, मतलब कि इसमें देखो इस कमेटी में क्या होगा, देखो कमेटी में 30 मेंबर्स होंगे जिसमें से जो 20 मेंबर्स होंगे वो एमपी होंगे और जो 10 होंगे वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के एमपी, मतलब कि एमपी होंगे किसके, लोकसभा के, और जो 10 होंगे वो एमपी होंगे किसके, राज्यसभा के। और ये कमेटी की ड्यूटी है कि वो इस कमीशन की रिकमेंडेशन को एग्जामिन करें और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करें उनके ओपिनियन, ठीक है। मतलब कि सिंपल बात क्या है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन क्या करेगा, डायरेक्टली प्रेसिडेंट को सब नहीं बताता, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन क्या करता है, जो पार्लियामेंट में जो कमीशन बैठा हुआ है, पार्लियामेंट में जो कमेटी बैठी हुई है उसको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है और फिर आके कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सब चीज़ प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करें, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारी न्यूज़ में थी अभी, राइट टू प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट किया था कि राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू मोबिलिटी में डिफरेंस है, मतलब कि अगर आपके प्रोटेस्ट करने की वजह से किसी की फ्रीडम में क्या हो रही है, रेस्ट्रिक्शन हो रही है, मतलब अगर कोई आप मतलब रोड पे बैठ रहे हो आप रोड जाम कर रहे हो तो लोगों को दिक्कत हो रही है, तो राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू मोबिलिटी में डिफरेंस है। क्योंकि आपको पता है शाहीन बाग में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के प्रोटेस्ट हुए तो दिल्ली में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुए जिसमें क्या हुआ, लोगों ने रोड ब्लॉक किए, ठीक है। इन अदर स्टार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फार्मर्स के पास कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं अपना जो प्रोटेस्ट है एब्सोल्युटली परफेक्ट, मतलब कि अगर वो परफेक्ट वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल वे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको राइट है कि वो अपने प्रोटेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं एज लॉन्ग एज उनको अगर 3 जो कॉन्ट्रोवर्सियल जो एग्रीकल्चर लॉज हैं जब तक वो वायलेंस ना करें। अभी आपको पता है 26 जनवरी में जो ये प्रोटेस्ट था वो वायलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, तो काफी कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिली, ठीक है। तो राइट टू प्रोटेस्ट 2 बार न्यूज में था, पहली बार न्यूज में इसलिए था क्योंकि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तो प्रोटेस्ट हुए तो शहीन बाग में लोगों ने क्या किया, रोड को ब्लॉक किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू मोबिलिटी में फर्क होता है। इसके अलावा फिर दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला फार्मर के पास राइट है कि वो राइट टू पीस पे प्रोटेस्ट कर सकता है जब तक चाहे तब तक कर सकता है अंटिल एंड अनलेस वो वायलेंट फॉर्म में ना, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंडर आर्टिकल 1 क्लोज ए आपको पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन है और नो राइट टू स्ट्राइक है। आर्टिकल क्लोज 1 सब क्लोज बी में क्या है, आप असेंबल हो सकते हो पीसफुल बिना हथियारों। फिर क्लोज टू क्लोज 3 में क्या है कि स्टेट के पास पावर है कि वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रख सकता है अगर हमारी सिक्योरिटी को कोई खतरा है। नेक्स्ट क्या, हेट स्पीच। सुप्रीम कोर्ट ने अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऑब्जर्व किया गया कि हेट स्पीच कहीं ना कहीं क्या करता है, जो राइट टू इक्वालिटी है इन अ पॉलिटी कमिटेड टू प्लूरलिज्म। एक मिनट है, यस। अभी क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऑब्जर्व किया कि जो हेट स्पीच है उन्होंने रिफ्यूज किया कि राइट टू इक्वालिटी इन अ पॉलिटी कमिटेड टू प्लूरलिज्म। मतलब क्या, देखो भाई हेट स्पीच और फ्री स्पीच में क्या फर्क है, नो डाउट आपके पास फ्रीडम है बोलने का, फ्रीडम है ऑब्जर्व करने का, लेकिन हेट स्पीच का आपको फ्रीडम नहीं है। फ्री स्पीच का मतलब यह है कि आप किसी पे कमेंट कर सकते हो, फेवर कर सकते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन हेट स्पीच का मतलब क्या है, आप किसी एक टारगेटेड कम्युनिटी लाइक टारगेट ग्रुप किसी टारगेट पर्टिकुलर कास्ट पे, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पे, पर्टिकुलर रिलीजन पे अगर आप हेटेड फ्लावर हो तो उसको हेट स्पीच बोला है। हेट स्पीच कहीं भी लॉ में हमारे डिफाइन नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, हेट स्पीच हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया। हाउएवर जो हेट स्पीच है
अगर वो कहीं ना कहीं किसी पर्सन के अगेंस्ट हेटर्ड फैला दिए तो उनको हम डील कर सकते हैं विद इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 153A के अंडर और 295A के अंडर, राइट। तो गाइस यहाँ पे हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके साथ हमने अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। कल से हमने या फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।